बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट हैंडवर्क। मैं आपको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत से रखे और आप सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, शादाबाद रखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्टाइलिश हैंडमेड पर्स के डिज़ाइन आइडियाज लेकर आई हूँ। हैंडमेड क्रोशे के हैंडबैग्स हैं, शोल्डर बैग्स हैं, पर्स हैं, क्लच हैं। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और आप हमारे चैनल पर कौन सी वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि हम आपकी चॉइस के मुताबिक अगली वीडियोस अपलोड करें और आपको इसी तरह से प्यारे प्यारे आइडियाज देते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं पर्ल्स एंड बीडेड, बहुत प्यारा सा वर्क है, हैंडमेड आइडियाज़ हैं, हैंडमेड कलेक्शन है। जिन्हें क्रोशिए का वर्क आता है वो इजीली ये सब बना सकते हैं। हम सिर्फ ये आइडिया दे रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे आज के हमारे आइडियाज़ और इससे आप ज़रूर कोई फ़ायदा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर एक कलर में आपने ये बनाना है तो आप एक कलर में बना सकते हैं, अगर आपने डिफरेंट कलर इसमें ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्ल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदर के लिए आप उसमें रेगजीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट, कुछ भी आइडिया इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखें, बहुत प्यारे प्यारे और भी डिज़ाइन आइडियाज़ इसमें मौजूद हैं। इसी के साथ ही आप अपनी दुआओं में हमें ख़ास तौर पे याद रखें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर से मिलेंगे एक अच्छे आइडिया के साथ, एक अच्छी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।